नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सब्जी लेकर आई हूँ जिसका नाम है काला चना मसाला। काले चने की बहुत ही टेस्टी सब्जी मैं आपको बिना प्याज लहसुन के सिखाऊंगी। इसको आप मेरे तरीके से बनाइए, उंगलियां चाटते आप रह जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप काले चने लिए, उसको मैंने अच्छे से साफ करके रात भर के लिए पानी में भिगो दिया। आप रात भर नहीं भिगो सकते तो 6 से 7 घंटे के लिए आप इसको भिगो ही दीजिए। अब ये जो भीगे हुए चने हैं इसका पानी हम फेंक देंगे और इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो अब हमें बेसिकली चनों को प्रेशर कुक करना है, तो मैंने चनों को डाल दिया है कुकर में। अब इसमें नमक और खाना सोडा हमें डालना है, तो सबसे पहले पानी डाल देते हैं। आधा कप चने के लिए 1 गिलास पानी डाला है मैंने। गीली सब्जी बना रहे हैं, रसेदार सब्जी बना रहे हैं, इसलिए पानी ज्यादा जाएगा। आधी चम्मच नमक डाला है और 2 पिंच इसमें खाने वाला सोडा डालकर कुकर पर ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हम इसमें मीडियम हाई फ्लेम पर ले लेंगे 2 सीटी। तो 2 सीटी जब आ जाएंगी उसके बाद में गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 10 मिनट तक हम और पका लेंगे ताकि चने अच्छे से कुक हो जाएं। चने हमारे बॉईल हो रहे हैं। मीनवाइल अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें चने की सब्जी कैसे बनानी है। तो चने की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। जीरा भी जब अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे हींग। तो यहाँ पर 1 से 2 पिंच इसमें हींग ऐड कर दें। इसके साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तेजपत्ते लिए हैं, 2 लौंग लिए हैं और 1 बड़ी इलायची ली है। बड़ी इलायची का मुंह मैंने खोल दिया है ताकि उसका फ्लेवर पूरा के पूरा तेल में आ जाए। इसके साथ ही 2 सूखी लाल मिर्चें ली हैं, आप चाहे तो डंडी तोड़कर भी ऐड कर सकते हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने काट लिया है, वो ऐड करना है हमें। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें काट कर ऐड कर दें। अब अदरक और हरी मिर्च को कुछ सेकेंड आप सॉटे कर लीजिए और सॉटे जब ये हो जाएंगी उसके बाद में हम इसमें टमाटर मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लगभग 3 मीडियम साइज के टमाटर को ग्रेट करके ऐड करूंगी। आप चाहें तो टमाटर को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाल मिर्च का काम खत्म हो चुका है, तो लाल मिर्च का फ्लेवर सब्जी में आ चुका है। आप चाहें तो रख सकते हैं, मैंने रिमूव कर दिया है, बाद में डेकोरेशन के लिए मैं यूज करूंगी। और ये देखिए, ये है 3 टमाटर जो मैंने ग्रेट करके रखे हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। अच्छे से हम इसको तड़के में मिलाएंगे। तो टमाटर को भी अच्छे से हमें कुक करना है और इसमें हम सूखे मसाले डाल देते हैं। तो आधी छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर और इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से सारे मसालों को टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। और टमाटर के पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से साइड्स में ऑयल को रिलीज नहीं कर देता। आप चाहें तो इसको ढक सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, इसको लो फ्लेम करके ढक दें। मैं इसको ओपन में ही कुक करूंगी। 3 मिनट के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, इसने एजेस पर ऑयल को भी रिलीज कर दिया है। तो अब इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे हम इसको और इसके बाद में हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, ये है जीरे का पाउडर। इसके साथ ही इसमें 1/4 चम्मच हम ऐड करेंगे गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है और इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आएगा सब्जी में। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल कर आएगा। लास्ट में इसमें आप चाहे तो किचन किंग मसाला या छोले मसाला ऐड कर सकते हैं, उससे सब्जी में बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर निकल कर आएगा। तो अलग सा फ्लेवर पाने के लिए आप चाहें तो बाजार का आप छोले मसाला या किचन किंग मसाला ऐड कर सकते हैं। वैसे होममेड किचन किंग मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है और बहुत अच्छी रेसिपी है, सभी ने उसको बहुत पसंद किया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। ये देखिए मसालों को भी अच्छे से चने के साथ मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर काले चने की रसेदार सब्जी बना रहे हैं तो हमने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 ग्लास से पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल यहाँ पर मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है। तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में इसको हम ढक देंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। मैं ढक देती हूँ लो फ्लेम करके। ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से सब्जी हमारी कुक हो चुकी है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काले चने हैं अभी बिल्कुल साबुत हैं, तो इसको थोड़ी सी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप पोटैटो मैशर ले लें या फिर कोई स्पैचुला वगैरह भी ले सकते हैं, उसकी बैक साइड की हेल्प से या पोटैटो मैशर की हेल्प से इस तरह से चनों को थोड़ा सा पीस लें।
तो ऐसा क्या ऐसे करने से क्या होगा कि जो हमारी सब्जी है उसमें थोड़ी सी ग्रेवी आ जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी और सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये देखिए मिक्स करेंगे और सब्जी आप देख सकते हैं गाढ़ी होने लगी है। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाकर आप सब्जी में एक बार बॉयल ले लें, उबाल ले लें, और जैसे ही सब्जी में उबाल आता है इसमें हरा धनिया डालकर हम फटाफट से सब्जी को सर्व करने के लिए ये तैयार हो जाएगी। तो सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने निकाल लिया है एक सर्विंग बोल में और इसको आप हरे धनिए से गार्निश करके फटाफट से पूरी, पराठे, रोटी, प्लेन राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको रोजों के लिए बना सकते हैं, किसी खास मौके के लिए बना सकते हैं, पूजा के लिए बना सकते हैं। तो कभी भी आप इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।